everyone, this is me Haram Sheikh and you're watching me on Runway Pakistan and I'm back with another interview. It is true that mental health is as important as one's physical health. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तस्कीन एनजीओ के फाउंडर ताहा साबरी. अस्सलाम वालेकुम ताहा साबरी, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र. तो ताहा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं तस्कीन के बारे में कि व्हाट इज इट अबाउट. सो देखिए, तस्कीन जो लफ्ज़ है वो निकला है अल्फाज सुकून से. तस्कीन का मतलब है सुकून पहुंचाना और हमारा मकसद इज़ एग्जैक्टली दिस. हम एक नॉन प्रॉफिट हैं जिसका मकसद है कि एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, स्टिग्मा कम करें अगेंस्ट हेल्प सीकिंग, लोग हेल्प नहीं लेते इस वजह से, और फिर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें. एंड देन फाइनली हम इस मुल्क में जो स्ट्रक्चरल मसले हैं जिसकी वजह से लोग जो मुतासरीन हैं वो और प्रोसिक्यूट होते हैं या फिर उनको हेल्प नहीं मिलती, उनके खिलाफ काम करें और उनको चेंज करने की कोशिश करें. तो ये हमारे सारी एक्टिविटीज़ हैं. तो अगर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा हो तो वो किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकता है? सो एक तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो ये है कि माशरे में अवेयरनेस फैलाएं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, और हम इस चीज़ के को हाईलाइट करें कि लोग हेल्प क्यों नहीं लेते बिकॉज ऑफ सोसाइटल एटीट्यूड्स, राइट. और उसके बाद क्या होता है, हम ये करते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड मास मीडिया. तो हमारे पार्टनरशिप्स हैं मास मीडिया के साथ, सोशल मीडिया पे भी हमारी डिफरेंट चैनल्स हैं, तो उस पर हम कैंपेन्स करते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स हमारी चल रही होती हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, जो लोग हमारे चीज़ें देखते हैं तो वो हमारा एक हेल्पलाइन है, टेली मेंटल हेल्थ सर्विस हमने शुरू किया है, ठीक है, 0316 तस्कीन के नाम से, ठीक है. सो कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे. फिर हम अब चाहे पाकिस्तान में कहीं भी हो, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीफोनिक काउंसलिंग थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो फिर उसके बाद का किस तरीके का प्रोसीजर होता है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आपको कॉल करता है तो फिर आप किससे कनेक्ट कराते हैं या फिर आप लोगों का क्या आगे का नेक्स्ट प्रोसीजर होता है? सो हमारे पास एक पूरी टीम है साइकोलॉजिस्ट्स की. अब कोई हमें कॉल करता है, अपॉइंटमेंट लेता है विद अस, एक क्योंकि हमारे पास असल में लोड बहुत ज़्यादा है, तो तकरीबन 3-4 डेज लगते हैं एक अपॉइंटमेंट. अब अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे आज, व्हाट्सएप करते हैं तो बेहतर था, इट्स यूजली सिंपलर. फिर वो आप एक अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर अपॉइंटमेंट मिलती है, एक हम साइकोलॉजिस्ट अपनी असाइन कर देते हैं. वो साइकोलॉजिस्ट पहली मीटिंग करती है, एक असेसमेंट करती है कि शिद्दत कितनी है मसले की, हाउ सिवियर इज़ दी प्रॉब्लम. फिर उसके हिसाब से उनको या तो काउंसलिंग में हम भेजते हैं 4-4 सेशंस, या फिर थेरेपी में भेजते हैं अप टू 8-12 सेशंस, या फिर हम किसी साइकाइट्रिस्ट उनको रुजू कराते हैं और साथ साथ थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो आप इस आइडिया पे कैसे आए, मतलब क्या रीज़न था आपका तस्कीन को लाने का, या फिर आपने खुद सोसाइटी को, मतलब आपके खुद अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इशू था, या फिर आपने क्या चीज़ ऐसे फेस करी कि आपने सोचा कि मैं इस आइडिया को लेके आता हूँ, आगे लेके चलता हूँ? जी तो देखिए, मैं खुद डॉक्टर भी हूँ और ख़ुद मैं पब्लिक हेल्थ में मेरी महारत है, बट जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मैं खुद डायग्नोस हुआ था विद मेंटल इलनेस. तो उस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सीखा कि जो चैलेंजेस लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब उनको ये मसले होते हैं, और फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली टू रिकवर, अल्लाह का शुक्र से मैं बेहतर हो पाया. सो देन आफ्टर आई ग्रेजुएटेड तो फिर मैं मिला कुछ साइकोलॉजिस्ट से, एक्टिविस्ट से जो खुद इस मसले से गुजरे भी थे एंड हु वर हेल्पिंग अदर्स थ्रू इट एज वेल, एंड वी डिसाइडेड कि हम शुरू करते हैं एक इदारा. फिर एक बिजनेसमैन मिले, एक इरफान मुस्तफा साहब, वो भी उनका भी लिव्ड एक्सपीरियंस था एंड तो वो भी बहुत पैशनेट थे कुछ करना चाहिए, उन्होंने भी देखा था कि कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, अवेयरनेस अवेलेबल नहीं है. सो उसी डिज़ायर की वजह से टू हमने फिर ये साथ शुरू किया. तो अब यस, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, लेकिन असल जो तस्कीन के बारे में यूनिक चीज़ है कि इट इज़ लेड बाई पीपल हु देमसेल्व्स हैव अंडरगॉन दीज इश्यूज एंड रिकवर्ड फ्रॉम देम. अच्छा, तो किस तरीके से पता लगेगा कि आपको किस सर्विस की ज़रूरत है? सो डिपेंड करता है कि आपकी मसले की नौयत पे एंड हाउ सून यू गेट हेल्प. जितना जल्दी आप हेल्प सीख करेंगे उतनी लेस सीवियर आपका मसला होगा, उतना जितना बेहतर हल हो पाएगा. जितना लोग इंतज़ार करते हैं उतना फिर मामला बढ़ता रहता है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, लाइक सब्सटेंस अब्यूज़ आ जाती है, ब्रोकन रिलेशनशिप्स आ जाती हैं,
और मसला आया था, तो फिर उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है उनको रिकवर होने में। तो उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं, हमारे पास एक असेसमेंट होती है, तो हम उसके बेसिस पे असेस करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सिवियर हैं या अर्जेंट हैं। सो क्राइटेरिया होता है, एक पूरा क्लिनिकल क्राइटेरिया हमारा होता है, तो उसके बेसिस पर हम असेस करते हैं, देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं या साइकोसिस के सिम्टम्स हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम उनको डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज है, मैं भी ऑफकोर्स नहीं रिटेरेट कर सकता, और उसके हिसाब से फिर उनको सपोर्ट, रेलिवेंट सपोर्ट ऑफर करते हैं। तो आप इन तीनों सिम्टम्स को थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो देखिए, माइल्ड का मतलब ये होगा कि आपको अक्यूट डिस्ट्रेस है, इट्स नॉट अ क्लिनिकल डिसऑर्डर, बट आपको कोई मेजर ट्रॉमा हुआ है, या फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकन रिलेशनशिप, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, या फिर कोई एकेडमिक कोई प्रेशर एकदम से आया हो, एंड आपको एकदम से यू फील इंटेंस डिस्ट्रेस एंड यू वांट टू शेयर विद समवन, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है नहीं जिसे आप शेयर कर पाएँ, तो यू जस्ट नीड टू वेंट, यू जस्ट नीड समवन, इसमें आपको सिर्फ अपना दिल खोल के इजहार करना है ताकि आप उसको प्रोसेस कर पाएँ एंड देन यू कैन मूव ऑन। तो यूजली माइल्ड केसेस में क्या होता है कि ड्यूरेशन इज़ लेस देन अ मंथ ऑफ द ट्रॉमा, एंड देन होता है तो उस, लेकिन उसकी मतलब आपकी स्लीप वगैरह, एपेटाइट वगैरह उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। मॉडरेट केसेस होते हैं कि ड्यूरेशन इज़ लॉन्गर देन अ मंथ, तो बिटवीन वन मंथ टू वन ईयर तक ड्यूरेशन होती है, उसमें थोड़ा टाइम हो जाता है, एंड उससे फिर सिग्निफिकेंट आपकी स्लीप डिस्ट्रप्शन भी हो रही होती है, एपेटाइट डिस्ट्रप्शन भी हो रही होती है, आपके इमोशनल रेगुलेशन में मसले हो रहे होते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, आप रिलेशनशिप्स उतनी मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज आपको गुस्सा आ रहा होता है, इरिटेबिलिटी हो रही होती है, अकेले रहने का दिल आपका कर रहा होता है, सो वो मॉडरेट होते हैं। फिर सिवियर होते हैं कि अब आपकी शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि यू आर आप सब्सटेंस अब्यूज़ में मुबतला हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्याल आपके जहन में आने शुरू होते हैं, कुछ लोग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर अर्जेंट का मतलब ये होता है कि मतलब कि इतनी शिद्दत, इतनी शदीद हो चुकी है टेंशन कि यू आप सुसाइड अटैम्प्ट करने वाले हैं, या फिर आपको कोई, आप किसी और को नुकसान पहुंचाने वाले हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो इस तरह करके मोटा मोटे जो कैटेगरीज इस तरह करके होते हैं। ओके, देन हाउ वुड वन आइडेंटिफाई कि हम इस मेंटल हेल्थ के विक्टिम हैं असल में, मतलब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मैं इस चीज़ के विक्टिम हूं? कंसल्टेशन करके, बिकॉज अगर हम ऑफकोर्स एक सेल्फ, क्योंकि जब उस मसले में होते हैं ना, तो वुमन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ना खुद प्रोसेस करना। तो यूजली क्या होता है, कभी कभी अगर आपकी प्रायोरिटी तो जो है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त, सिबलिंग, पेरेंट, पार्टनर हो जिसको आप शेयर कर पाएँ, यू कैन हेल्प यू थ्रू इट, अगर वो नहीं है सो देन आप फिर एक काउंसलर से या हमारी सर्विस पे कांटेक्ट करके आप एक कंसल्टेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड के किस नौयत का मसला। ओके, व्हाट डू आई डू इफ द सपोर्ट डजंट हेल्प? सो देखिए, अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रियलाइज करना कि द इफेक्टिवनेस जो होती है इस प्रोसेस की, वो डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी प्रोफेशनल की पर्सनैलिटी से अलाइन करती है या नहीं। क्योंकि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेट ख़राब होता है, यू गो टू 4 डॉक्टर्स, तो आपको सेम लेवल ऑफ प्रॉब्ली अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट मिलेगी। लेकिन क्योंकि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो एक कल्चरल, एक हमारे इंडिविजुअल कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं, सो दैट्स वाई कभी कभी क्या होता है कि जब कोई प्रोफेशनल हो जो हमारे कल्चर से अलाइन ना करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मरीज एथियस्ट है और जो प्रैक्टिशनर है दे आर वेरी रिलीजियस, तो उनके बायसेस कैन हैव, तो मरीज के साथ वो थेरेपिटिक अलायंस नहीं बन पाएगी और वाइस वर्सा, राइट? सो तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ना 2-3 थेरेपिस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है अनटिल यू मीट वन जिसके साथ आपकी एक थेरेप्यूटिक अलायंस बन पाए, आपकी पर्सनैलिटीज अलाइन कर पाए। तो इफ इट्स नॉट वर्क, अगर आपको मदद नहीं कर रहा तो डोंट पैनिक, सही है, कोई मसला नहीं है, स्विच योर थेरेपिस्ट, फाइंड समवन एल्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी वो करना है कि जो थेरेपिस्ट हैं वो आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते, आपको खुद अपनी ज़िंदगी को बदलना है। बट व्हाट द थेरेपिस्ट कैन डू इज़ कि वो आपको एक आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिससे आप अपने थॉट्स और इमोशंस ऑर्गेनाइज कर पाते हैं एक इंडिविजुअल से जो नॉन जजमेंटल है, जो आपको जानता नहीं है, सही, तो आपके सोशल सर्कल में नहीं है, यू डोंट हैव टू मीट दैट पर्सन अगेन, एंड जिसकी एक ड्यूटी है कि जो भी बात आप उससे करें वो अपने अपने आप तक रखें, सही। तो ये कुछ एडवांटेजेस होती हैं। सो वो आपकी ज़िंदगी फिक्स नहीं कर सकते लेकिन आपको गाइड कर सकते हैं टू हेल्प, बट ऑफकोर्स वो डिपेंड करता है वो भी किस हद तक एक आपकी पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी किस हद तक अलाइंड है। अगर नहीं है, फाइंड अ न्यू थेरेपिस्ट। ठीक है,
क्योंकि ऐसा होता है कि कोई पेशेंट जो चीज़ आपको डायग्नोज करें और वो फिर मना कर दे उन सारी चीज़ों को लेने से, थेरापी लेने से या सेशंस लेने से. बिल्कुल, जैसे कॉमन मसला जो होता है वो ट्रीटमेंट कंप्लायंस का मसला होता है. सही, काफ़ी मरीज जो होते हैं, द फर्स्ट स्टेप जो होता है इस प्रोसेस में होता है डिनाइल. सबसे पहले इट्स नेचुरल क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो डिनाइल में होते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, यूजुअली इसमें होता है. अब डिनाइल से एक्सेप्टेंस में लेके आने के लिए आपको डीस्टिग्मेटाइज करना होता है, सही है, और अवेयरनेस बढ़ानी होती है. सो वो स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है. अगर वो स्टेप सही तरह नहीं हुआ तो अगर आप पेशेंट को ले जाएं टू अ थेरेपिस्ट या टू अ साइकाइट्रिस्ट, ट्रीटमेंट फॉलो ही नहीं करेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उनको. तो सबसे पहले ये है कि जो मरीज़ का जो पैराडाइम है उसको चेंज करना ज़रूरी है. उनको उन्हें आगाही, उनको एक्सेप्ट करवाने के भी मसला है. और यूजली वो एक्सेप्टेंस तब आती है व्हेन, या तो अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तब आती है जब वो बहुत ही बुरे हालात तक नहीं हो जाए. ओके, ठीक है. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अपनी फैमिली के लव वन को लेके आ रहा है और ज़बरदस्ती लेके आ रहा है तो उसका एक्सेप्टेंस कराना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और सबसे मुश्किल चीज़ होती है. फर्स्ट स्टेप होता है. ओके, तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर उसको अंडरस्टैंड कि मसला है. ठीक है, मरने की बात है नहीं, मुझे तो मसला नहीं है, तुम पागल हो, ये फिर एक अनफॉर्चुनेट एक रिएक्शन होता है. अच्छा, तो सबसे क्या चीज़ मुश्किल होती है साइकेट्रिस्ट होने में, सबसे क्या चीज़ आपको मुश्किल लगती है इसमें? देखिए, मैं खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस तो नहीं करता, मैं खुद पब्लिक हेल्थ में काम करता हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स हमारे हैं, एक चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि इतनी सारी कहानियाँ सुनना, और बहुत दर्दनाक, खौफनाक, बहुत डार्क चीज़ें होती हैं, द अंडर बेली ऑफ आवर सोसाइटी, तो वो सामने आती है जब आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हो. तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इन सब चीज़ों को सुनना, बट एट द सेम टाइम सेल्फ मैनेज करना. और जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और बहुत वो हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको एक ट्राई टू कीप देम एज स्ट्रेस फ्री एज पॉसिबल, क्योंकि जब तक उनकी मेंटल हेल्थ वो नहीं तो वो किस तरह किसी को सपोर्ट कर सकते. सो ये एक चैलेंज होता है कि इतनी सारी चीज़ों को सुनना, मुश्किल चीज़ों को, बट स्टिल नॉट लेट इट अपने ऊपर हावी ना कर लेना, एंड बी एबल टू कंटिन्यू योर ओन लाइफ विदाउट खुद ही उस चीज़ स्टेट में ना आ जाए. तो कोविड की वजह से हम श्योर बहुत सारे लोग आइसोलेटेड हो गए थे, तो क्या इसके दौरान ज़्यादा आप लोगों के पास केसेस आए होंगे? सो हमारी जो सर्विस शुरू थी वो कोविड के दौरान ही हुई थी, तो इसलिए मैं कंपेयर नहीं कर सकता टू बिफोर, बट इन जनरल मेंटल इलनेस की प्रेवलेंस बढ़ गई है कोविड में, एंड अब सर्विसेज भी बहुत बढ़ गई. जब हमने शुरू किया था 6 साल पहले, मुश्किल से 3-4 अदारे थे, अब कोई 30-40 अदारे हैं. सो दैट शोज के माशाल्लाह पाकिस्तान में अब अवेयरनेस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, एंड दैट्स व्हाई सप्लाई भी अब बढ़ रही है. तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग उस चीज़ को नहीं रिजॉल्व करते और अपनी लाइफ उसी चीज़ का कंटिन्यू करते हैं तो वो चलता रहेगा. अब आप डिसफंक्शनल ह्यूमन बीइंग्स बस डेवलप करते रहेंगे और माशरा और मसले होते रहेंगे माशरा में. तो उसको किसी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर एज वेल. सो अब प्रिवेंट इस तरह किया जा सकता है कि आप एक तो यह है कि पेरेंटिंग पे बहुत हमें काम करना है. हम लोग भी शुरू किया है एजुकेशनल कंटेंट ऑन पेरेंटिंग, कि हेल्दी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, राइट. फिर दूसरा यह कि हम पहले से अर्ली रिकग्नाइज करें, क्योंकि आप ये रिकग्नाइज करें कि अब बिकॉज ऑफ आर इकोनॉमिक सिस्टम वालदैन के पास अब वक्त नहीं है टू स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन, बिकॉज उनको बहुत काम करना पड़ा टू अर्न मनी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला हुआ है. तो उसकी वजह से जो एक नशोनुमा जो एक साइकोलॉजिकल नशोनुमा घर में होती थी, वो पहले वो इतने वालदैन मसरूफ, तो फिर हमारे ग्रैंड मदर्स करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, लेकिन अब जॉइंट फैमिलीज भी तबाह हो रहे हैं, अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं, राइट. सो अब बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स में इस चीज़ को इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि स्कूल्स पहले वर्क प्लेस ऑफ एकेडमिक लर्निंग, लेकिन अब लाइफ स्किल्स भी हमें सिखानी ज़रूरी है. सो मेंटल हेल्थ कार्यक्रम हमें स्कूल में इंट्रोड्यूस करना है. That is something we're working on as well. कि किस तरीके से, और भी एक अदारे काम कर रहे हैं. अगर आप स्कूल में इंटीग्रेट कर लें, अगर आप पेरेंटिंग पे फोकस कर लें, सो आधे से ज़्यादा मसले ख़त्म हो जाएंगे. ओके, ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप फेज, तो आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे कि इट इज़ जस्ट अ फेज लाइफ का, या फिर ये एक्चुअली मेंटल हेल्थ इसका विक्टिम है? सो देखिए, एवरी वन एक्सपीरियंसेस डिस्ट्रेस, सबकी ज़िंदगी में मसले आते हैं. Why? Because and most trauma is relational. In fact, हमारी पूरी identity relationship पे based है. हमारा जो नाम है that is because वो others can call us. हम अपने आप को तो नहीं कहते ना कि यार तहा दांत ब्रश कर लो, तहा खाना खाओ, नहीं. हम लोग अपने को, तो हम हमारा नाम भी is because of our relationships.
एंड ऑल रिलेशनशिप्स आर टेम्प्रेरी बिकॉज एवरीवन मस्ट डाई, है ना, मतलब तो फिर ऑफकोर्स ग्रीफ इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड एन एसेंशियल पार्ट. अब मसला ये होता है कि ग्रीफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, राइट, बट कभी कभी क्या होता है कि सम पीपल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स और लैक ऑफ उनको नहीं वो स्किल्स होती, रेजिलियंस नहीं होती, सो वो उसमें उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, सही. सो अगर ब्रेकअप हुआ है यू विल एक्सपीरियंस ग्रीफ एंड दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज नेचुरल एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो, दैट विल हेल्प यू फोकस ऑन व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली, अच्छा हाउ एंड यू, अच्छा मे बी आई एम बेटर ऑफ, तो यू एक्सपीरियंस ग्रैटिट्यूड, तो बहुत चीज़ें होती हैं. लेकिन फिर क्या होता है कि वंस अगर आप फंस जाते हैं ना उसमें कि आपकी सेल्फ एस्टीम अफेक्ट, सेल्फ एस्टीम पर आती कि नहीं इट्स बिकॉज कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, स्टिच वड़ा है, आई डोंट डिजर्व एनी वन, या फिर तो फिर ना आप इस, तो दैट इज़ डेंजरस. सो उसमें मेन चीज़ होती है ड्यूरेशन, कि अगर चलना अगर ब्रेकअप हुआ है यू एक महीना गुजर गया है, दो महीने गुजर गया है एंड यू स्टिल स्टक इन दैट रट, इट मीन्स यू मे नीड सम हेल्प टू टॉक इट आउट सो यू कैन गेट ओवर इट. बट इफ यू मसला होता है कभी वो लोग ना अपना अंदर रख लेते हैं चीज़ को एंड देन देयर इंटायर फ्यूचर बिकम्स डिटरमिंड बाय दैट वन ब्रेकअप, बिकॉज वो जो पोटेंशियल पार्टनर्स को उस नज़र से देखेंगे, सस्पेशन से देखेंगे, अपने आप को उस लेंस से देखेंगे, वर्थलेसनेस से देखेंगे, तो उसमें फिर वो फंस जाएंगे. सो अगर आपने ग्रीफ एक्सपीरियंस किया आफ्टर ब्रेकअप, परफेक्टली नॉर्मल. अगर अभी तक आपके दिल में है ग्रीफ और अभी तक आप वो कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ इवन इफ यू वॉन्ट टू एडमिट इट और नॉट. ठीक है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक वो फील करना ओके है, पर उसके बाद आप फिर को फिर कैरी नहीं करना चाहिए, कैरी नहीं करना चाहिए. अच्छा, ये जो हमारे माशरे में टैबू है कि फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी बात करें, मैं अपने अगर अपनी बात करूं तो हम लोग अपने फैमिली से इतना डिस्कस नहीं कर पाते, तो इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या इस चीज़ को हम, इस टैबू को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं. एक बहुत बड़ा जनरेशनल गैप है, बहुत बड़ा, एंड दैट इज़ द सोर्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रेस हमारी यूथ जो एक्सपीरियंस कर रही है, बिकॉज हमारे वालदैन वर बॉर्न फॉर अ डिफरेंट टाइम एंड अब बहुत रैपिडली एक चेंज आया है, कुछ एंड वालदैन भी बहुत डरे हुए हैं बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है, वो खुद समझ नहीं आ रही हाउ टू कैच अप, सही. अब देखिए इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर पेरेंट्स इज दैट अब दिस इज़ द टाइम जिसमें आपको एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी है. हायाकीज हैव नो वैल्यू नाउ, कि अब वो डंडे के जोर पे काम कराने वाला वक्त ख़त्म हो चुका है, स्पेशली अपने बच्चों के साथ भी. द मोर डिस्टेंट यू आर विद योर चिल्ड्रन द मोर लाइकली कि वो कुछ गलत काम में लगे ओके एंड सो दैट्स व्हाई हम एडवाइस ये करते हैं कि अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बी फ्रेंडली विद योर चाइल्ड, सही, टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद पेरेंट्स एंड बी वेरी ओपन विद योर पेरेंट्स इवन इफ यू हैव डिफरेंट वैल्यूज, अगर आपके डिफरेंट ओपिनियंस एंड थिंग्स, उनको शेयर करने की आज़ादी देनी चाहिए. क्यों? अगर नहीं देंगे तो वो चुप रहेंगे लेकिन वो जाके करेंगे वही चीज़, ड्रग्स में पड़ जाएंगे, अनहेल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाएंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, कि चलो अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते भी हो तो पहले मुझसे डिस्कस कर लो, अगर आपका कोई दोस्त इस तरह का बन रहा है मुझसे डिस्कस कर लो, सही, एंड देन गिव देम द चॉइस. उनको समझाएं बच्चों को कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को समझाएं कि यार ये चर्स ये होती है, हेरोइन ये होती है, शराब ये होती है और इनके ये नुकसान होते हैं, सही, क्लिनिक्स में बजाज के ये हराम है ना करना, वो और भी करेगा बच्चा, कन्फर्म और भी करेगा. अगर आप बताएं यार ये चीज़ें हैं और अगर आप करना चाहते हो तो बताओ, फिर हम साथ या साथ कर लेंगे या फिर हम, क्योंकि आजकल की जनरेशन वैसे ही एक्सप्लोर ज़्यादा करती है चीज़ों को और एक्सपोजर ज़्यादा है ना, बिकॉज ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं एंड यू कैन, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ पे है, क्या कर रहा है, यू कैन नेवर कीप टैब्स ऑन देम. इनफैक्ट जितना आप कंट्रोल करोगे उतना हाथ से निकलेगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन एंड फॉर अस एज वेल टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एम्पैथी फॉर आवर पेरेंट्स, यार वो डिफरेंट जमाने से, उनके एंग्जाइटीज़ क्या हैं, उनसे आगे बात करें कि यार आई नो कि यू आर एंशियस बट ये है, मैं आपसे ओपनली डिस्कस करना चाहती हूँ, ये मेरी वो वैल्यूज़ हैं, ये मेरा वो है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती, बट अगर आप इस पर रिएक्ट करेंगे तो फिर आई हैव नो चॉइस बट टू हाइड फ्रॉम यू. कोशिश करें, शायद ना सुने, शायद सुन लें. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लव वन है और आपको पता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है और वो इस चीज़ का विक्टिम है पर वो डिनाई कर रहा है, तो हम उनके करीबी होने के, मतलब हम उनके बहुत करीब होते हैं डेफिनेटली अपने लव वन के, तो हम किस तरीके से उनको इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. देखिए इसमें सबसे पहले तीन आई थिंक स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले आपको उनको थोड़ा सा प्यार से समझाने की और थोड़ा पैसिवली, थोड़ा उनको मटेरियल्स भेज के, थोड़ा सा उनको
फॉर हमारे हमारे पर एक सीरीज़ है ऑफ सर्वाइवर्स हु रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम, तो सेंड देम रिलेटेबल कॉन्टेंट दैट दे कैन परहैप्स सी एंड थोड़ा अंडरस्टैंड. तो उससे अगर उनको समझ नहीं आती तो फिर सेकेंड स्टेप है जाके उनसे बात करें, उनको बोलेंगे. और पहली बात तो ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिहेवियर को पे कॉमेंट ना करें, इंडिविजुअल की वेल बींग पे फोकस करें. ठीक है, अगर बोलेंगे तुम अक्सर कमरे में अकेले बैठे रहते हो, क्या हो गया, या फिर तुम बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना शुरू हो गए हो, ये गलत बात है, तो ऑफकोर्स वो फिर डिफेंसिव होंगे. आपने बोला यार आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सी यूर अपसेट, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई सपोर्ट यू. हमदर्दी से उनको रीच आउट करने की कोशिश करें और सॉर्ट ऑफ ट्राई टू हेल्प देम सी कि क्या मसला चल रहा है. कभी वो भी नहीं चलेगा, फिर क्या होता है कि जो लास्ट स्टेज होती है वो होता है कि यू नीड टू फोर्स देम, बिकॉज वो फिर क्या होता है कि फॉर देयर ओन वेल बींग, बिकॉज अगर इंसान इस कैफियत में है सो दे आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, सो देन वॉट देर डूइंग इज दैट वो फिर आप डैमेज कर रहे हैं अपने आप को. सो देन कभी कभी क्या होता है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उनको फोर्स करना होता है कि उनको हॉस्पिटल लेके जाएँ, उनको सेक्टर लेके जाएँ, उनको सुनो. तो फिर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि फोकस ऑन द इंडिविजुअल नॉट ऑन द बिहेवियर एंड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन रादर अ प्लेस ऑफ जजमेंट. सही, अगर आप बोलेंगे तुम्हें क्या हो गया है, तुम नशे कर रहे हो, किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल ख़त्म, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, जाओ साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, कौन सुनेगा. प्यार मोहब्बत से उनसे बात करें और थोड़ा डिस्टिगमेटाइज करने की कोशिश करें चीज़ों को, और अमूमन उससे फ़ायदा होता है वो अभी नोटिस, क्योंकि जो लोग सबसे पहले जजमेंट की जोन से आते हैं तो उससे बंदा ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है. सो ये एक अमूमन होता है. कभी कभी क्या होता है कि हमारी रिलेशनशिप में इतने मसले आ जाते हैं कि हम उस पोजिशन में होते नहीं हैं, तो देन इट्स हेल्पफुल टू टेक द हेल्प ऑफ समवन हू दैट पर्सन रिस्पेक्ट्स. कोई फॉर एग्जांपल अगर आपके वालिद साहब हैं इसमें, तो आप अपने ताया की हेल्प ले सकते हैं या फूफो की हेल्प ले सकते हैं. अगर वालदा हैं अपनी खाला की हेल्प ले सकती हैं या फिर बड़ी किसी की ले सकते हैं. तो कभी कभी उससे भी ना फ़ायदा होता है कि किसी और किसी को अप्रोच करें, समवन दे रिस्पेक्ट, और उनको समझाएं सिचुएशन ताकि वो फिर उनको बोल पाएँ कि आप ये हेल्प लें या और ये करें. ओके, अच्छा लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहते हो? सो आई थिंक अगर आप कोई भी ये देख रहा है एंड वो गुजर रहे हैं किसी भी परेशानी से, टेंशन से जो उनकी ज़िंदगी को मुतासर कर रही है, अंदर ना रखें, ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो वैसे ही बोलते रहेंगे और भूल भी जाएंगे और आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी. सो सीक हेल्प, रीच आउट टू, अगर आपके आस पास कोई है उसको रीच आउट करें, अगर आप किसी माहिर नफ्सियात के पास रुजू करना चाहते हैं उनके पास जाएँ, और कोई भी नहीं है तो हाँ हमें कॉल करें 03168275336 पे, और इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच दास सबरी फॉर कमिंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क. थैंक यू सो मच. टेक केयर.